आने वाले एपिसोड ऑडियंस का फेवरेट सेगमेंट लेकर आ रहा है, कपल डांस, बट साथ में काफी कलेश और ड्रामा भी। कौन किसके साथ डांस टास्क में पेयर अप होगा? हर्ष रुशाली को चुनेगा या शुभी को? और हर्ष को नेगेटिव लाइमलाइट में लाने का असली जिम्मेदार कौन है? आज इस वीडियो में मैं आपको इन सब सवालों के जवाब देने वाली हूँ। तो अपनी सीट की पेटी बांध ले, क्योंकि आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका आज आपको बहुत कुछ अनटोल्ड और इंटरेस्टिंग बताने वाली है। सबसे पहले तो डोम सेशन के बाद एंट्री होगी विला में हर्ष और शुभी की। दोनों को साथ में इतना क्लोज देखकर सब स्पिट्स विलन के मन में यही सवाल है कि शुभी उनकी एक्स है या फिर दोस्त। और आकृति के यही सवाल पूछे जाने पर हर्ष का जवाब सबको शॉक कर देगा। हर्ष ने बड़े ही फिल्मी स्टाइल में बोला कि एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते, जिसका साफ साफ मतलब यही है कि हर्ष अब रुशाली के साथ साथ उनकी दोस्त शुभी को भी पसंद करने लगे हैं। अब हर्ष की एंट्री के बाद रुशाली ये नहीं समझ पाएगी कि वो हर्ष से शिकायत करे कि क्यों वो इतना टाइम लव डेड में था, या फिर शुभी को जवाब दे कि ये अच्छे से जानते हुए कि शुभी हर्ष को पसंद करती है तो क्यों रुशाली ने हर्ष के साथ कनेक्शन बनाया। और हमें इसी बात पर दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच काफी आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिलेगा। जनरली लड़के अपने दोस्तों को कहते हैं ना कि देख लड़की आ गई ना हमारी दोस्ती के बीच, पर स्पिट्सविला में उल्टा हो रहा है, दो लड़कियों की दोस्ती के बीच एक लड़का आ गया है। हर्ष को हमने ये भी बोलते सुना कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ से गलत है और किसी से प्यार करना कब से पाप हो गया। अब आपको क्या लगता है कि हर्ष यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? उन्हें रुशाली से प्यार हो गया है या फिर शुभी से? मुझे कमेंट पे जरूर बताएं। बट मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहती हूँ कि शुभी की एंट्री के बाद से ही शुभी ने अपने सोशल मीडिया पर उन सब पोस्ट को रीपोस्ट करना शुरू कर दिया जिसमें सब हर्ष को उल्टा सीधा कह रहे थे। अगर शुभी के दिल में हर्ष के लिए थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर होता तो वो ये बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि रुशाली ने तो जैसे स्टोरीज डालना ही बंद कर दिया है तब से। तो कहीं ना कहीं हर्ष को जो हेट मिल रहा है उसको बढ़ाने में शुभी के पोस्ट का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन एक बात तो श्योर है कि रुशाली हमें अपकमिंग एपिसोड्स में काफी इमोशनल और रोते हुए दिखने वाली है, साथ में नायरा भी। नायरा के रोने का रीजन अरबाज है या उनके कोई पुराने दोस्त, वो जानने के लिए तो हमें एपिसोड को देखने का इंतजार करना ही पड़ेगा। बट जो भी हो, डांस टास्क में तो हर्ष रुशाली के साथ ही परफॉर्म करेंगे। दुनिया के सामने अपनी इमेज जो अच्छी रखनी है, पर टास्क के बाद वो शुभी को ये वादा भी करेंगे कि विला में शुभी को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो हर्ष हमेशा उनके साथ खड़े हैं। पर शुभी को हर्ष के कोई प्रॉमिसेस चाहिए ही नहीं, उनको तो पूरा का पूरा हर्ष ही चाहिए, इसलिए वो ये बात सुनकर वहां से वॉकआउट कर लेंगी। डांस टास्क में हमें जशवंत आकृति, सचिन इशिता, खनक आदित्य, तिवेत अनिका, हर्ष रुशाली, अरबाज नायरा, देखिला अनिकेत, दिग्विजय उन्नति, एडी कशिश और शायद लक्ष्य के साथ अमेहा परफॉर्म करती हुई नजर आने वाली है। बट इन सब के साथ साथ सनी लियोनी का डांस और एज ए जज उर्वशी रौतेला की एंट्री शो की हाईलाइट होने वाली है। इस टास्क में पिछले साल के बेस्ट कपल और बेस्ट परफॉर्मर साक्षी और जस्टिन को भी एज ए गेस्ट बुलाया जाएगा। और हमें अपकमिंग एपिसोड्स में एक वाटर टास्क भी देखने को मिलने वाला है, जो लड़के अलग और लड़कियां अलग अलग परफॉर्म करेंगी। आप रुशाली, शुभी और हर्ष के कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में किसको सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।